प्रत्येक दिन माता जी को अलग अलग प्रकार के नैवेद्य लगाए जाते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ये नवदुर्गा के अलग अलग रूप हैं। नवदुर्गा का नित्य नौ दिन अलग अलग प्रकार से पूजा करने से आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन आदि की प्राप्ति होती है। माता दुर्गा इस बार जो है आपको गज पर सवार होकर के आ रही हैं। गज यानी हाथी पर माता का आगमन हो रहा है और माता का जो प्रस्थान है जो गमन है वो इस बार महिष पर हो रहा है यानी भैंसे पर सवार होकर के माता का प्रस्थान हो रहा है। तो माता की पूजा उस रूप में अवश्य करें। ये नौ दिन पवित्रता से सात्विकता से रहना व्रताचरण करना व्रतों में रहना बाहरी अन्न नहीं खाना घर में भी अन्न पदार्थ का सेवन नहीं करना। व्रत आचरण में फल है फूल है इत्यादि दूध का आप सेवन कर सकते हैं। सात्विक मन से रहना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना गलत व्यवहार नहीं करना इधर उधर नहीं जाना यही आचरण नवरात्रि में आप करें तो माता का विशेष आप पर अनुग्रह अवश्य बनेगा। कलश स्थापन में कलश पूजा में अनेकों प्रकार की सामग्री जड़ी अनेकों प्रकार के द्रव्य का उपयोग होता है। पूजन सामग्रियों में हल्दी रोरी चंदन केशर सर्वौषधि पंचपल्लव और सप्तधान्य नवधान्य गंगा जल तांबे का पैसा कुछ दक्षिणा सुपारी पान का पत्ता फूल तुलसी दूर्वा एवं ऐसे अनेक पदार्थ जो कि शुद्ध और कलश में ऊर्जा तत्व आने के लिए उसमें विशेष प्रभाव बनाने के लिए डाले जाते हैं इन सभी का उपयोग ये कलश स्थापन में होता है। पूजनादि कर्म के लिए षोडशोपचार पूजन करने के लिए हल्दी रोरी अक्षत फूल पुष्प तांबूल दूर्वा सिंदूर माला पंचपल्लव एवं पंचामृत स्नान के लिए दूध दही घी गुड़ शहद धूप दीपादि नैवेद्य सुगंधित तेल इन सभी का उपयोग षोडशोपचार पूजन में किया जाता है।